हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मायसेल्फ भाग्यश्री। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट इज इलस्ट्रेशंस ऑफ सीएमए फाइनल पेपर नंबर 15 स्टडी नोट नंबर 1 दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। सो टुडे वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 13 गिवन बिलो द बेसिक डेटा रिलेटिंग टू द न्यू इंडिया कंपनी फॉर 3 ईयर्स। ओके, सो ईयर 1, 2 and 3 डेटा इज गिवन। प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री डेटा, प्लान प्रोडक्शन इन यूनिट्स। ओके, दिस इज जस्ट अ प्लान प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इन यूनिट्स, दैट इज फर्स्ट जैन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट जैन, इट मीन्स दिस इज ओपनिंग स्टॉक। ये जो दिया है वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, क्योंकि फर्स्ट जैन बोला है। एक्चुअल प्रोडक्शन इन यूनिट्स इज गिवन। ओके, दिस इज द प्लान वन एंड दिस इज द एक्चुअल वन, बोथ आर सेम। प्लान जो किया था जितना प्रोडक्शन उतना ही एक्चुअल किया है। ओके, सेल्स इन यूनिट्स दिया हुआ है जो हम लोग को यूज़ करना है हर जगह पे। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इन यूनिट्स दैट इज December 31st, इट मीन्स दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ये जो दिया है वो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या क्या दिया है हम लोग एक बार चेक करेंगे। सी रेवेन्यू एंड कॉस्ट डेटा ऑल 3 ईयर्स, सेलिंग प्राइस इज गिवन। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ओके, दिस इज द हेडिंग, दिस इज़ द हेडिंग दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। उसमें क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, देन वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड ऑल। नेक्स्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सो दिस इज जस्ट अ टोटल ऑफ ऑल दिस 3। ये तीनों का जो टोटल है उसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोला है। ओके, नेक्स्ट है यूज ओनली अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन है, उसमें हम लोग को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग और थ्रूपुट कॉस्टिंग का जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करना है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए दिया है। ओके, सो दिस इन्फॉर्मेशन इज स्पेसिफिकली गिवन फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। व्हाट इज दैट, सी दिस इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन, सो विल अंडर राइट will put underline over here. Next is fixed manufacturing overhead. So ये जो absorption costing है उसके लिए हम लोग को दिया है कि हम लोग को कौन से रेट पर जो fixed overhead उसको allocate करना है। ओके, सो 30,000 का fixed overhead है annually और annual production हम लोग ने 2,500 लिया है। ओके, annual production, so it should not be rupees. ओके, सो ये यूनिट्स में होना चाहिए। सो 30,000 और 2,500, सो रेट आया 36। ये जो है वो हम लोग को यूज़ करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिर्फ यूज़ करना है और किधर भी हम लोग को यूज़ नहीं करना है। रेट आता है 12, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है, सो 12 और ये बाकी सब का टोटल मिला के 36। ओके, नेक्स्ट है टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट, सो टोटल ये जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट हम लोग को दिया है 36। नेक्स्ट है वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल। ओके, दिस इज द वेरिएबल। नेक्स्ट इज फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर ईयर, दिस इज फॉर पर ईयर एंड दिस इज पर ईयर। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट, देन वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट, देन रिकंसिलेशन ऑफ इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्टिंग, एंड लास्ट वन इज थ्रूपुट कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट एंड कमेंट हाउ इट इज रिलेटिवली मोर यूजफुल, ड्रॉ योर कंक्लूजन। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू प्रिपेयर दिस 4 इनकम स्टेटमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। सो हियर वी हैव प्रिपेयर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इधर लेना चाहिए सेल्स रेवेन्यू। ओके, सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग को पता है कि जो भी हम लोग का और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए रेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को वो एक्सपेंसेस एब्जॉर्ब कराना रहता है। सी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली हम लोग को ये फिक्स्ड ओवरहेड कौन से रेट पे एब्जॉर्ब करना है वो दिया हुआ है 12। ओके, 12 पर यूनिट, सो अकॉर्डिंगली हम लोग को एब्जॉर्प्शन कराना है जो भी हम लोग का कॉस्ट है उसका। सी टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट भी दिया हुआ है, सो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इधर वेरिएबल है उसमें ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए रेट दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, वो ऐड करने के बाद टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आया। सो वी हैव टू यूज़ दिस 36 फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ रेडीमेडली गिवन द क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर सेल्स, सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 48। ओके, एंड सेल्स यूनिट्स आर गिवन, सी सेल्स यूनिट्स आर गिवन हियर,
2500, 1750 and 3250. So we have to use this and we have to calculate the sale. First of all, for year 1, sales unit 2500 multiplied by 48. 48 is the rate per unit or selling price per unit. Okay, so 120,000. 120,000. Next is second year's selling units 1750 multiplied by 48. It is 84,000. So second year sale 84,000. थर्ड ईयर का सेलिंग यूनिट्स जो है वो 3250 है मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट 48. सो सेल हम लोग का आया 1,56,000. ओके, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट एट द रेट ऑफ 36 पर यूनिट. क्वेश्चन में रेडीमेड हम लोग को दिया है टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट, तो हम लोग वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. सी टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 36. सो हम लोग उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. और जो यूनिट्स है वो तो हम लोग ने अभी जो देखा सेल के लिए वही यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे. ओके, सो 2500 मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन का जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 36 है, तो 90 आया. ओके, सो वी हैव टू लेस, सो विल पुट ब्रैकेट ओवर हियर 90,000. नेक्स्ट इज सेलिंग का जो यूनिट्स है वो 1750 है मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन का रेट 36 है, तो हम लोग का अमाउंट आया 63,000. ओके, 63,000. नेक्स्ट है जो नंबर ऑफ यूनिट्स है 3250. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 36 दैट इज 1,17,000. सो 1,17,000 सिंपली हम लोग को माइनस करना है, तो हम लोग को मिलेगा ग्रॉस मार्जिन. सो इधर आएगा 30,000. 84,000 माइनस 63,000 21,000 एंड 1,56,000 माइनस 1,17,000 इट कम्स टू 39,000. ओके, इट कम्स टू 39,000. आफ्टर दैट जो भी रिमेनिंग एक्सपेंसेस है वो हम लोग को कंसिडर करना है. सी इधर तक हम लोग ने टोटल कॉस्ट जो भी है वो कंसिडर किए हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस हम लोग ने यूज़ किया. उसके बाद 12 प्लस 8 प्लस 4 दैट इज़ 24 प्लस दिस 12 टोटल इज 36. सो वी हैव यूज टिल दिस 36. नाउ रिमेनिंग पार्ट इज वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर यूनिट एंड दिस फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. सो वी हैव टू यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी यूज्ड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद फिक्स का. सो वेरिएबल का पर यूनिट दिया है रुपीज 4 पर यूनिट. ओके, सो नंबर ऑफ यूनिट्स फर्स्ट का है 2500 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट कम्स टू 10,000. सो 10,000 वी हैव टू माइनस, सो विल पुट ब्रैकेट. नेक्स्ट इज 1750 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट कम्स टू 7,000. ओके, इट कम्स टू 7,000. आप लोग को चाहिए तो आप लोग यूनिट्स इधर ऊपर लिख के भी रख सकते हो. ओके, सी इधर 2500 है, इधर 1750 है और इधर 3250 है. ओके, यूनिट्स हम लोग ने ऊपर लिख के रखा. ओके, सो लास्ट का है 3250 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट कम्स टू 13,000. एंड लास्ट पार्ट दैट इज फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज डायरेक्टली गिवन 5,000. ओके, सो विल रिकॉर्ड डायरेक्टली 5,000. ओके, सो 30,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 इट कम्स टू 15,000 दैट इज ऑपरेटिंग इनकम. नेक्स्ट इज 21,000 माइनस 7,000 माइनस 5,000 इट कम्स टू 9,000 एंड हियर 39,000 माइनस 13,000 माइनस 5,000 इट कम्स टू 21,000. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट. नाउ वी हैव टू गो फॉर वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट. ओके, वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट इधर भी सेम आएगा, जो भी सेल है वो सेम ही आएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो सेम ही रहेंगे. सो फर्स्ट यूनिट फर्स्ट ईयर का जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स सेलिंग का दिया है वो 2500 है, देन 1750, देन 3250. ओके, सो
सेल भी सेम ही आएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस भी वही है. सो 2500 मल्टीप्लाइड बाय 48 इट कम्स टू 1,20,000. 1750 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 48 रुपीज़ 48 इट कम्स टू 84,000. 3250 मल्टीप्लाइड बाय 48 इट कम्स टू 1,56,000. इट्स वेरी ईजी. नेक्स्ट इज टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ओके टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. सी अभी हम लोग कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्टिंग स्टेटमेंट, राइट. सो वेरिएबल में हम लोग को पता है सेल्स माइनस वेरिएबल, देन हम लोग को मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम लोग माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, एंड देन हम लोग को प्रॉफिट मिलता है. ओके सो अभी हम लोग को जाना है वेरिएबल कॉस्ट जो भी है वो फाइंड आउट करने के लिए, या फिर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसको. ओके सो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग देखेंगे. सी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल दैट इज़ वेरिएबल, देन डायरेक्ट लेबर दैट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. दीज थ्री आर वेरिएबल. सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में दिया है 24 पर यूनिट. ओके 24 पर यूनिट. सी एट द रेट ऑफ 24 पर यूनिट. सो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 2500 मल्टीप्लाइड बाई 24 इट कम्स टू 60,000. ओके सो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 60,000. माइनस करना है सो ब्रैकेट डालेंगे. नेक्स्ट इज 1750 मल्टीप्लाइड बाई 24 इट कम्स टू 42,000. नेक्स्ट इज 3250 मल्टीप्लाइड बाई 24 इट कम्स टू 78,000. ओके नाउ लास्ट में जो हम लोग को दिया है सी वो भी वेरिएबल कॉस्ट ही है. वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल. ओके क्योंकि ये जो बीच का इन्फॉर्मेशन है वो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए है और वो फिक्स का है, राइट. तो हम लोग को अभी फिलहाल चाहिए वेरिएबल. सो विल गो फॉर वेरिएबल दैट इज़ 4 पर यूनिट. सो सिंपली वी हैव टू रिकॉर्ड दिस 2500 मल्टीप्लाइड बाई 4 इट कम्स टू 10,000. Here 1750 multiplied by 4 it comes to 7,000. Then 3250 multiplied by 4 it comes to 13,000. Okay so simply we have to minus 120,000 minus 60,000 minus 10,000 it comes to 50,000. That is contribution. See sales minus variable cost will get contribution. हम लोग को ये सबको पता है कि हम लोग वही करते हैं. सो इधर 84,000 माइनस 42,000 माइनस 7,000 इट कम्स टू 35,000. नेक्स्ट 1,56,000 माइनस 78,000 माइनस 13,000 इट कम्स टू 65,000. ओके सो हियर वी गॉट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल थ्री ईयर्स. नेक्स्ट इज जस्ट वी हैव टू माइनस फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड. ओके सो हियर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दैट इज़ 30,000. हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग वेरिएबल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो फिक्स कॉस्ट लिया जाता है वो फुल अमाउंट में फिक्स रहता है. ओके सो फिक्स कॉस्ट जो है फुल अमाउंट में फिक्स रहता है. तो 30,000 ऑल थ्री ईयर्स में आएगा. ये जो हम लोग को करके दिया है कैलकुलेशन दैट इज़ जस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. दिस कैलकुलेशन इज जस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. This will not be helpful or relevant in case of variable costing. So in case of variable costing, we have to consider this annual fixed overhead that is full amount 30,000, and this fixed selling and administration cost we have to consider that is 5,000. So we will directly record this 30,000 and 5,000 in all 3 years. So 30,000. Here 5,000 and 5,000. Just we have to minus. So 50,000 minus 30,000 minus 5,000 it comes to 15,000. Next 35,000 minus 30 minus 5,000 so it comes to 0. 65,000 minus 30,000 minus 5,000 it comes to 30,000. So here we have completed variable costing income statement. Now we have to go for next part, that is C part, reconciliation of income under absorption and variable costing. Okay, so we have to just reconcile the both the income statement. So first of all, cost of goods sold under absorption costing. So absorption costing में हम लोग ने जो cost of goods sold record किया हुआ था वो हम लोग को देखना. See,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 90,000, 63,000, 1,17,000. जस्ट वी हैव टू राइट. सो 90,000, 63,000 एंड 1,17,000. ओके. नेक्स्ट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग. सो वेरिएबल कॉस्टिंग में जो हम लोग ने वेरिएबल कॉस्ट रिकॉर्ड किए थे वो हम लोग को इधर लिखना है. सी टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ओके. ये जो है सेलिंग का वो भी हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट ही है, लेकिन फिलहाल हम लोग उसको इधर कंसिडर नहीं करेंगे. वी आर जस्ट कंसिडरिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओवर हियर. सो 60,000, 42,000 एंड 78,000. ओके. अभी ये जो वेरिएबल कॉस्ट है सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का वो हम लोग क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं. सी इधर भी हम लोग का जो वेरिएबल कॉस्ट है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का 10,000, 7,000, 13,000 आ रहा है, राइट. और इधर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी हम लोग का आ रहा है 10,000, 7,000, 13,000. ओके. जो कॉस्ट सेम है उसको कंसीडर करके हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग रिकंसिलेशन कर रहे हैं. सो रिकंसिलेशन का आप लोग को मीनिंग पता है कि डिफरेंस होता है उसको ही हम लोग रिकंसाइल करते हैं. सो इधर डिफरेंस ही नहीं है तो उसको कंसीडर करके यूज ही नहीं है. ओके. सो हियर वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज दिस इज सेम इन बोथ दी केसेस. सी वेरिएबल कॉस्ट इज this much in absorption costing and variable cost, that is selling cost, variable selling cost is same in case of variable costing. In both the cases variable selling and administration cost is same. So we are going to do the reconciliation, and in case of reconciliation there should be a difference, and there is no difference in both the costs. So that's why we are not considering variable selling and administration cost. Okay. I hope आप लोग को ये जो doubt आया होगा वो clear हुआ होगा. Okay. So इधर ये जो cost है उसमें difference आ रहा है, इसीलिए हम लोग उसको consider कर रहे हैं. See sales तो दोनों जगह पे same है तो उसको consider करना ही नहीं है. कॉस्ट में डिफरेंस है इधर, ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो डिफरेंट है इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एंड इधर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो भी डिफरेंट है, इसके लिए हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं. ओके. सो वी आर जस्ट कंसीडरिंग द कॉस्ट वेर एवर वी आर गेटिंग द डिफरेंस. सो हियर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग इट इज 60,000. ओके. एंड 42,000 एंड 78,000. ओके. 78,000 हम लोग इसका रिकंसिलेशन कर रहे हैं तो हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. ओके. सो विल जस्ट माइनस. सो इट कम्स टू डिफरेंस इज 30,000, हियर डिफरेंस इज 21,000 एंड हियर डिफरेंस इज 39,000. ओके. नेक्स्ट नाउ we have completed the variable cost part. Now we'll compare the fixed manufacturing overhead. Okay. In case of variable costing. Variable costing में जो fixed manufacturing overhead है वो हम लोग ने record किया है, तो वो हम लोग उसको check करेंगे. See. Sales was same, so we have not considered that. Here we have considered this cost in case of absorption. This is just a gross margin, so ignore it. And in case of this selling and administration overhead variable, we are not considering this because this is same in both the cases. Okay. Now here fixed selling and administration overhead 5,000, 5,000, 5,000, right. And here also fixed selling and administration overhead is 5,000, 5,000, 5,000. So जो भी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो वेरिएबल रहने दो या फिर फिक्स रहने दो, वो सेम ही है दोनों जगह पे. सो उसको हम लोग टोटली इग्नोर कर रहे हैं. ओके. सो फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोथ आर सेम इन बोथ द केसेस, सो दैट्स वाई वी आर इग्नोरिंग देम. ओके. सो इधर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो स्टेटमेंट है उसमें सब कुछ कंसिडर करके हुआ है, क्योंकि सेल्स तो सेम है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, इग्नोर किया. इसको हम लोग ने कंसिडर किया है. एंड इधर ये दोनों भी सेम है वेरिएबल में भी, तो इसके लिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे.
So we have just taken this these figures in reconciliation statement because all other things are as it is in case of variable costing also. So come to variable costing, sale was same, so ignore it. We have considered this. Okay, after that this was same in case of absorption also, so ignore it. Here this 5000 was same in case of absorption also, so that's why we will ignore it. Next is this is remaining. So fixed manufacturing overhead that we have not considered, so we will consider this right now. So fixed manufacturing overhead in case of variable costing, that is 30,000. Okay, I hope aap logo डाउट नहीं हुआ होगा इसमें कुछ. सो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग 30,000 वी हैव टू जस्ट माइनस. ओके, सो हियर बैलेंस इज जीरो, हियर बैलेंस इज कमिंग माइनस 9,000 एंड हियर इट इज़ पॉजिटिव 9,000. ओके, आफ्टर दैट वी हैव कंसिडर ईच एंड एवरी आइटम एक्सेप्ट ऑपरेटिंग इनकम. सी operating income of absorption costing is this much and operating income of variable costing is this much, so we will consider now. Okay, so operating income under variable costing, that is 15,000 zero and 30,000, and operating income in case of absorption costing 15,000, 9,000 and it is 21,000. Okay, minus, we have to minus, so minus, see, 15,000 minus 15,000 0, 0 minus 9,000. Okay, so 0 minus 9,000, it comes to minus 9,000, and here 30,000 minus 21,000, it comes to positive 9,000. Okay, it comes to positive 9,000. Now we have to just verify that why these figures are coming positive and negative. Okay, so ये जो reconciliation किया है उसका just verification हम लोग को करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है. So first of all हम लोग एक छोटा सा इधर table prepare करेंगे, year 1, 2, 3, change in inventory. Okay, so change in inventory आप लोग को अच्छे से समझना होगा. See, year 1 there is no problem because opening inventory was zero, closing inventory was zero, so there is no change in inventory in case of year 1, so it is zero. Next, year 2, here opening inventory was zero but closing inventory is 750, so inventory is increasing. Okay, inventory has increased, earlier it was zero, now it is 750, so inventory has been increased. So 750 increase in case of year 2. Okay, like that for year 3, earlier it was 750 and now it is 0, so inventory is decreasing in case of year 3. Earlier 750 हमारे पास था, अभी 0 हो रहा है तो decrease हो गया ना inventory. So here 750 decrease in case of third year, in case of third year. Okay, so now we have to just multiply by फिक्स्ड ओवरहेड रेट. ओके, फिक्स्ड ओवरहेड रेट जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, सी फिक्स्ड ओवरहेड रेट दैट इज 12, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12. सो डिफरेंस इन फिक्स्ड ओवरहेड, ये डिफरेंस फिक्स्ड ओवरहेड में क्यों आ रहा है वो हम लोग को समझ में आएगा. सी हियर इट कम्स टू जीरो, हियर 750 मल्टीप्लाइड बाई 12 इट कम्स टू पॉजिटिव 9,000 बिकॉज इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो वो पॉजिटिव है ना, सो हम लोग 9,000 पॉजिटिव लेंगे, और इधर डिक्रीज हो रहा है सो इट इज़ निगेटिव. सो रुपीज़ 9,000 बट इट इज़ निगेटिव, राइट. नेक्स्ट डिफरेंस इन इनकम रुपीज़, एब्जॉर्प्शन और इसका वेरिएबल का जो भी इनकम है, कॉस्टिंग इनकम, उसका जो डिफरेंस है वो हम लोग को इधर लिखना है. ओके, सो हियर ज़ीरो. ओके, हियर ज़ीरो. After that, here it comes to 9,000 positive and it comes to 9,000 negative. Okay, 9,000 positive, 9,000 negative. See,
ये जो हम लोग डिफरेंस ले रहे वो एब्जॉर्प्शन माइनस वेरिएबल, एब्जॉर्प्शन का इनकम माइनस वेरिएबल का इनकम, ऐसा हम लोग को कंसिडर करना है। सी एब्जॉर्प्शन में फर्स्ट ईयर में 15,000 और वेरिएबल में 15,000, सो जीरो ही आएगा। इधर 9,000 माइनस जीरो, सो 9,000 पॉजिटिव आएगा। 21,000 माइनस 30,000, सो 9,000 नेगेटिव आएगा। ओके, सो एब्जॉर्प्शन माइनस वेरिएबल वी हैव टू डू सो दैट विल गेट द एग्जैक्ट फिगर्स। सो वी आर गेटिंग फिगर्स लाइक दिस। ओके, सो ये पार्ट हम लोग का वेरिफिकेशन का हो गया है। अभी हम लोग जाएंगे लास्ट पार्ट, दैट इज थ्रूपुट कॉस्टिंग। ओके, थ्रूपुट कॉस्टिंग, सो बेसिकली वी हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रूपुट कॉस्टिंग। ओके, थ्रूपुट में हम लोग ने देखा था, हम लोग क्या करते हैं, सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट करते हैं, तो हम लोग को मिलता है थ्रूपुट। ओके, और बाकी जो भी कॉस्ट है उसको हम लोग फिक्स कॉस्ट अज्यूम करते हैं इन केस ऑफ थ्रूपुट कॉस्टिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को नॉर्मली हम लोग जैसे सेल रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही करना है। सो नंबर ऑफ़ यूनिट्स 2,500, 1,750, 3,250। ओके, विच वी हैव यूज इन अर्लियर टू स्टेटमेंट्स, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल, सेम वी आर डूइंग हियर। सो 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 48, इट कम्स टू 1,20,000। नेक्स्ट इज 1,750 मल्टीप्लाइड बाई 48, इट कम्स टू 84,000। 3,250 मल्टीप्लाइड बाई 48, इट कम्स टू 1,56,000। ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज पर यूनिट। सी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 12 पर यूनिट क्वेश्चन में हम लोग को दिया है। सो 12 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 12, इट कम्स टू 30,000। नेक्स्ट इज 1,750 मल्टीप्लाइड बाई 12, इट कम्स टू 21,000। एंड लास्ट वन 3,250 मल्टीप्लाइड बाई 12, इट कम्स टू 39,000। सो सिंपली वी हैव टू माइनस, सो विल गेट द थ्रूपुट हियर 90,000, हियर 63,000, हियर इट कम्स टू 1,17,000। ओके, 1,17,000। नेक्स्ट अदर ओवरहेड्स, अदर जो भी ओवरहेड्स है वो हम लोग को इधर कंसिडर करना है। सो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट लेबर। ओके, अभी डायरेक्ट लेबर लेते वक्त जो भी हम लोग फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट करेंगे उसी हिसाब से हम लोग सबको करेंगे। सी रीज़न इधर क्या है कि जो भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में उन लोगों ने कैलकुलेशन करा के दिया है उसमें उन्होंने एनुअल प्रोडक्शन क्या सेट किया है 2,500, क्योंकि प्लान प्रोडक्शन हम लोग का था 2,500, राइट। सो उसके हिसाब से उन लोग ने सब कुछ फिक्स्ड ओवरहेड कंसिडर किए हैं, क्योंकि इधर उन लोग ने कैलकुलेशन करा के दिया है। ओके, सो वैसे ही हम लोग थ्रूपुट में जो बाकी के ओवरहेड होते हैं उसको हम लोग फिक्स कंसिडर करते हैं। सो इसीलिए हम लोग इधर हम लोग कंसिडर करेंगे कि 2,500 यूनिट के हिसाब से जो भी कॉस्ट आएगा वो सब हम लोग फिक्स अज्यूम करेंगे। ओके, सी हम लोग को जो सॉल्यूशन है उसमें भी उन्होंने उसका नोट हम लोग को लिख के दिया है, चाहिए तो आप लोग बाद में उसको रीड कर सकते हो। ओके, सी इधर हम लोग का लेबर का दिया है कि अज्यूम दैट द मैनेजमेंट हैज़ कमिटेड टू द डायरेक्ट लेबर सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द प्लान एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 2,500 यूनिट्स, सो दैट्स व्हाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज यूज एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट प्रोड्यूस। ओके, सो प्लान प्रोडक्शन 2,500 यूनिट्स है तो उसके हिसाब से ही फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज किया जाता है। सो हम लोग थ्रूपुट का पार्ट कर रहे हैं, तो थ्रूपुट में कैसे होता है कि डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के बाकी सबको हम लोग फिक्स अज्यूम करते हैं। सो इसीलिए हम लोग को प्लान प्रोडक्शन के हिसाब से सब कुछ चार्ज करना है। सो डोंट कन्फ्यूज हियर, वी हैव टू जस्ट बाय प्लान प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रोडक्शन बिकॉज वी आर डूइंग थ्रूपुट। इन केस ऑफ थ्रूपुट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज कंसिडर वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑल अदर कॉस्ट आर कंसिडर फिक्स कॉस्ट, सो दैट्स वाई वी आर डूइंग कैलकुलेशन लाइक दिस। सो डायरेक्ट लेबर दैट इज रेट इज 8, ओके रेट इज 8 एट द रेट ऑफ रुपीज 8, सो 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 8, इट कम्स टू 20,000 इन ऑल थ्री ईयर्स बिकॉज हम लोग उसको फिक्स्ड ओवरहेड कंसिडर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दैट इज 4, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2,500,
सब जगह पे 2500 यूनिट्स ही कंसिडर करना है, क्योंकि हम लोग सबको फिक्स्ड ओवरहेड अज्यूम कर रहे हैं. ओके, सो वी आर कंसिडरिंग 2500 यूनिट्स इन ईच ईयर बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग फिक्स्ड ओवरहेड बिकॉज वी आर डूइंग थ्रूपुट पार्ट. नेक्स्ट इज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. ओके, सी वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस. नेक्स्ट इज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, दैट इज वेरी सिंपल, 30,000 फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. सो इन 3 years it is same 30,000 30,000 30,000. It is very simple. Next is variable selling and administration overheads. Okay, see variable selling and administration overhead cost per unit, इसका भी हम लोग को assumption दिया है. See, assumes management has committed to support resources sufficient to produce the planned annual production volume 2,500 units. Variable cost is used at the rate of 4 per unit produced. Fixed overhead is 30 per year. So fixed overhead तो हम लोग ने consider कर लिया है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि ये जो variable overhead है rupees 4 per unit का, वो हम लोग को additional लगा है. That is planned production है 2500 units वो produce करने के लिए, वो sufficient मतलब हम लोग को वो प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को वो करना पड़ा है एडिशनल. सो 4 हम लोग कंसिडर करेंगे. ओके, सो हियर वी विल कंसिडर रुपीज़ 4 पर यूनिट, दैट इज सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच इज़ गिवन हियर. सी विच इज़ गिवन हियर, सो विल कंसिडर इट सेपरेटली एज अ वेरिएबल कॉस्ट. ओके, बिकॉज दैट इज एडिशनल कॉस्ट. सी 2500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 4, इट कम्स टू 10,000. ये हम लोग यूनिट वाइज ही रिकॉर्ड करेंगे, लाइक वेरिएबल कॉस्ट हम लोग करते हैं वैसा. सो नेक्स्ट इज 1750 मल्टीप्लाइड बाई 4, इट कम्स टू 7,000. नेक्स्ट इज 3250 मल्टीप्लाइड बाई 4, इट कम्स टू 13,000. कम्स टू 13,000. नेक्स्ट इज फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो तो हम लोग को फिक्स ही दिया है क्वेश्चन में, दैट इज़ 5,000. सो वैसे ही कंसिडर करना है. सो 5,000 5,000 5,000. ओके, सो फाइनली हम लोग को माइनस करना है, तो हम लोग को ऑपरेटिंग इनकम मिल जाएगा 90,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000, इट कम्स टू 15,000. ओके, इट कम्स टू 15,000 इन केस ऑफ थ्रूपुट. नेक्स्ट 63,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 30,000 माइनस 7,000 माइनस 5,000, इट कम्स टू 9,000 नेगेटिव. 9,000 नेगेटिव. 1,17,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 30,000 माइनस 13,000 माइनस 5,000, इट कम्स टू 39,000 पॉजिटिव. 39,000 positive. Okay, so here we have completed throughput costing income statement also. Okay, जो भी assumptions हम लोग को लिख के दिया है वो सब इधर बताया है कि क्यों हम लोग ने कैसे क्या consider किया है, वो सब कुछ हम लोग को इधर दिया हुआ है, तो आप चाहिए तो इधर check कर सकते हो. Okay, so here we have completed absorption costing statement, variable costing statement, then reconciliation statement of both the incomes and this throughput costing income statement. So here we have completed illustration number 13. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.